नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट सी टेट एग्जाम डेट 2022 की अपडेट को देखेंगे। कब से शुरू होगा आवेदन, लास्ट डेट क्या होगी, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के हर एक अपडेट को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, प्रधानाचार्य को गोली मारने वाला छात्र गिरफ्तार हो गया है। शिक्षक भर्ती के रिजल्ट संशोधन में 23 नंबर तक बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया जो रिजल्ट का संशोधन हुआ है, 23 23 नंबर बच्चों के बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, 20,000 सिपाहियों को दिवाली पर प्रमोशन देने की तैयारी है। पूरी अपडेट को देखेंगे। बीएड की पहली काउंसलिंग की सीटें 10 को होंगी आवंटित, इस अपडेट को भी कवर करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में विसंगति को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। जी हाँ, पूरी अपडेट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों कोरोना केसेस पर बात होगी, कितने केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में। ये रही सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसको भी आप जरा ध्यान से देख सकते हैं कि क्या अपडेट है। उसके बाद देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट था हमारा, ये रहा। ठीक है, और ये रहा दोस्तों हमारा कोरोना केसेस। 24 घंटे में हमारे देश में 2,209 कोरोना के नए मामले भी सामने आए। तो हर एक अपडेट की नजर आप तक होनी चाहिए कि क्या क्या अपडेट है। जरा इस अपडेट को देखते, 69,000 भर्ती का जो रिजल्ट था, देखिए दोस्तों ये रिजल्ट इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि अभी हमारा बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर यहाँ पर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ जाती बीटीसी छात्रों के हित में, जैसा कि डीएलएड छात्रों को अगर शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता मिल जाती है या कुछ और होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएलएड के 100% बच्चों का लगभग लगभग सिलेक्शन तय होने लगेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होगा कि 22,000 सीटें खाली रह गई थी। 69,000 भर्ती में अगर बीएड के छात्रों को यहाँ पर मौका ना दिया जाता, मान लेते बीएड को हटा देते हैं, तब भी दोस्तों तकरीबन 20,000 सीटें खाली रह जाती। मतलब साफ है कि अगर जहाँ पर सिर्फ डीएलएड के छात्रों को मतलब मौका मिलता है, वहां पर कुछ ना कुछ सीटें खाली रह जाती है। इस तरह समझिए, जो बच्चे परीक्षा पास कर लेते हैं उनकी लगभग लगभग 100% की गारंटी होती है कि उनको नौकरी मिल जाती। तो इसीलिए दोस्तों अभी जो हमारा डीएलएड वर्सेस बीएड का मामला कोर्ट में चल रहा है, जो भी बड़ी खबर निकल कर आएगी, बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जहां से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पता है dlredresult.com, जानिए अपना गुणांक। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में अपना गुणांक सेफ जोन पूरी अपडेट को देख पाएंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप। तो पहले दोस्तों इस रिजल्ट अपडेट को जरा देखते हैं। प्रयागराज से अपडेट आ रही है कि प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति की वजह से नियुक्ति से वंचित 6,800 चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मतलब सबको जो ज्ञापन सौंपा था कि जल्द से जल्द इन बच्चों को नियुक्ति दी जाए। उसके बाद इस अपडेट को जरा देखिए, बीएड पहली काउंसलिंग की सीटें 10 को होंगी आवंटित। बरेली से अपडेट आ रही, रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने 3 काउंसलिंग के लिए संभावित कार्यक्रम बना लिया है। पहली काउंसलिंग की सीटों का आवंटन, ठीक है, जो अलॉटमेंट है 10 अक्टूबर को हो जाएगा। उसी दिन दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय सोमवार को अंतिम रूप दे देगा। शासन की ओर से बीएड काउंसलिंग के लिए 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी के मतलब बीच रुहेलखंड विश्वविद्यालय 3 काउंसलिंग करवाएगा। पहली काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगी। तो दोस्त ये सब पूरा मैटर है। उसके बाद जरा इस अपडेट को देखिए, 20,000 सिपाहियों को दिवाली पर प्रमोशन देने की तैयारी हो रही है। पुलिस विभाग में 2010 और 2011 बैच के जवान होंगे पदोन्नत, एक अच्छी खबर निकल कर यहाँ पर भी आ रही है। आगे चलकर दोस्तों, अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपकी नौकरी लगती है तो भी बेहतर होगा। देखिए मेन क्या है ना, पहले आपको एक जगह सरकारी नौकरी तय कर लेनी है, उसके बाद टीचर लाइन में आपको आना है। कि मतलब जहाँ पर भी सरकारी नौकरी मिले गाइस, उसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगली अपडेट में जरा देखिए, शिक्षक भर्ती के रिजल्ट संशोधन में 23 नंबर तक बढ़ोतरी। केस 1 एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोनाली यादव को 15 नवंबर 2021 को पहली बार घोषित परिणाम में 88 नंबर मिले थे। ओबीसी वर्ग होने के बावजूद वह फेल थी, लेकिन परिणाम में अनियमितता की शिकायत के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर जब संशोधन हुआ तो सोनाली के नंबर बढ़कर 111 हो गए। पहले जहां वह नौकरी की रेस से बाहर थी, अब वह उन्हें शिक्षक बनने की उम्मीद हो गई है। केस 2 क्या है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा से परीक्षा देने वाली वंदना शर्मा को पूर्व रिजल्ट में मतलब 118 नंबर मिले थे, लेकिन संशोधित परिणाम में 127 अंक हो गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बच्चों के नंबर अच्छे खासे बढ़ गए हैं, कि मतलब जिनकी पहले उम्मीद कम थी कि नौकरी मिल सकती है, अब उम्मीद बढ़ गई है।
मतलब ये हुआ दोस्तों कुछ बच्चों के नंबर कम हो गए और कुछ बच्चों के नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। सोचिए 23-23 नंबर तक की उछाले नंबरों में, तो सीधी सी बात है इन बच्चों का सिलेक्शन लगभग लगभग तय हो जा रहा है। इस अपडेट को जरा देखिए, प्रधानाचार्य को गोली मारने वाला छात्र गिरफ्तार हो गया। जहांगीराबाद सीतापुर से अपडेट है, प्रधानाचार्य को गोली मारने वाले छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। वही घायल प्रधानाचार्य की लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि बीते शुक्रवार को सदरपुर के जहांगीराबाद कस्बे में आदर्श राम स्वरूप विद्यालय इंटर कॉलेज के कक्षा 12 के दो छात्रों का आपस में विवाद हो गया था। इसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी थी। इस मामले में विद्यालय प्रधानाचार्य राम सिंह वर्मा ने छात्रों को डांट फटकार लगाई थी। इससे क्षुब्ध होकर छात्र गुरविंदर सिंह पुत्र जगविंदर सिंह निवासी गुरुद्वारा पागुपुरवा मजरा रिवान थाना रेवसा ने प्रधानाचार्य को जान से मार डालने की नीयत से शनिवार की सुबह असलाह तथा कारतूस अपने बैग में लेकर विद्यालय आया था। उसने प्रिंसिपल पर गोली चला दी थी। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल बन गए तो उसके बाद भी क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं हर जगह संघर्ष है। ठीक है, कब बच्चे का मूड सनक जाए और ये आपके सामने खबर है। ठीक है, बाकी सीटेट की अपडेट क्या है जरा इस अपडेट को जरा देखते हैं। कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? हर हालत में दोस्तों उम्मीद है कि अक्टूबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर भी दिसंबर में ही कराना है। लेकिन आपको पता होगा जो सीटेट का पेपर होगा एक दिन में तो होगा नहीं पहले की तरह। ठीक है, पहले ऑफलाइन पेपर होता था, एक दिन में पेपर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा शिफ्ट वाइज। लेकिन दोस्तों जब कोरोना के केसेस कम है तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि CBSE आपका पेपर ऑफलाइन क्यों नहीं करवा रहा है। ऑफलाइन पेपर बेहतर होता है गाइस। ठीक है, एक ही दिन में पेपर होता। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन पेपर की क्या है, नॉर्मलाइजेशन पद्धति। जी हाँ, बहुत से बच्चे परेशान होते हैं नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लेकर। बहुत से बच्चों के नंबर कम हो जाता है, बहुत से बच्चों के नंबर बढ़ जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने 90 नंबर अटेम्प्ट करके आए, 90 नंबर सही भी है, लेकिन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में अगर ये 85 नंबर हो गया या 270 नंबर हो गया तो भैया आपका जो रिजल्ट पास आना था वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें पेपर में आपको देखने को मिलती है, इसी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक काम करना है, परीक्षा की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये सब मैटर हो गया। तो बाकी दोस्तों कुछ और खबर आएगी तो खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए कोई भी खबर आपसे छूटने वाली नहीं है, चाहे BEd की अपडेट हो, चाहे DLED की अपडेट हो, चाहे UPTET हो, CTET हो, SuperTET हो। जी हाँ, आप देख रहे होंगे कि भैया जो शिक्षक भर्ती आजकल जो न्यूज आ रही है, बिहार में जल्दी शिक्षक भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी आने वाली है। तो बाकी अब बात रही उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों एक बात बता दें आपको, जल्द ही यहाँ पर भी वैकेंसी आएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि 63,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। कम से कम 63,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है, तो आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी आ जाए, अगर आपकी तैयारी अधूरी है, लापरवाही अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान बहुत ही बड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर ले सेफ जोन की, तो जनरल कैटेगरी में आप 75+ मान के चलिएगा सेफ जोन, AWS में 73+, OBC में 74+, SC में 70 के करीब करीब, ST में दोस्तों ये सब 60+ पर भी आपकी नौकरी यहाँ पर लग सकती है। लेकिन जनरल OBC, देखिए आपको बता दें जो हाईएस्ट कट ऑफ इस बार आपको देखने को मिलेगी। जनरल में क्या होता है ना, अगर SC कैटेगरी का भी बच्चा अगर ज्यादा नंबर लाता तो उसको जनरल से सीट आरक्षित हो जाती, मतलब सीट मिल जाती है। लेकिन क्या होगा कि जो मैक्सिमम कट ऑफ इस बार जाने की उम्मीद है वो OBC में ही जाएगी, क्योंकि जनरल के कुछ बच्चे EWS का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता 10% का आरक्षण। ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन में, तो गाइस इस बार तैयार रहिए। OBC कैटेगरी के छात्रों को भैया अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो आपकी जा सकती है। तैयारी बेहतर होगी तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।